यार ओके, आपको इन दोनों सीन्स के बीच में कोई डिफरेंस लग रहा है? अच्छा, फिर इस वाले सीन में अब अगर आपने इन डिफरेंस को पकड़ लिया तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आज हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। यारो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दुनिया किस चीज से चलती है तो मुझे पता है आप में से बहुतों का जवाब यही होगा, पैसा। पर गाइस, क्या आपको पता है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर पैसा नहीं बल्कि लॉजिक है। यस गाइस, क्योंकि अगर आपके पास भी पैसा हो और लॉजिक ना हो तो शायद आप भी इन कार्टून्स एंड एनिमे मेकर्स की ही तरह कुछ बहुत ही कॉमन इलॉजिकल मिस्टेक्स जैसे सही आंसर्स पर जीरो मार्क्स देना, ग्राउंड में मेन कैरेक्टर को बिना सूजी का दौड़ाना और न जाने क्या क्या कर देते। तो यार चलो, आज के इस व्हाट द फैक्ट के इंटरेस्टिंग वीडियो में लॉजिक से ढूंढते हुए कार्टून्स एंड एनिमे में कुछ ऐसे इलॉजिकल मिस्टेक्स को जान लेते हैं। नंबर वन, डोरेमोन। हीरो डोरेमोन के आप जरा इस सीन को देखो, जहाँ जब नोबिता स्कूल से भाग कर आता है तो ग्राउंड में जियान एंड सुनियो के साथ तीन बच्चे होते हैं। अब जब नोबिता इनकी गेम बिगाड़ कर भागता है तो जब सुनियो को भेजकर जियान इन सब से बात करता है तो गाइस इनकी संख्या 3 से 4 हो जाती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पीले कपड़ों वाला बच्चा हरा टोपी भी पहन लेता है एंड वहीं ये लंबे बच्चे की लाल टोपी भी गायब हो जाती है। मतलब भाई, यहाँ पर तो एनिमेटर्स की टोपीबाजी की हद ही पार हो गई। डोरेमोन, प्लीज टीच मी हाउ टू प्ले गिटार, इट्स सो इजी नोबिता, यू रियलाइज टू लेट। वैसे भाई, अगर डोरेमोन की हाथों की लॉजिक की इलॉजिकल बातें की जाए ना तो उसमें तो पूरा दिन ही बीत जाएगा। कोई बात नहीं भाई, उसके हाथों के नहीं तो पैरों की ही बात कर लो। अब इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं बोलने वाला भाई। वैसे यार, हमारे बचपन की यादों को और भी ज्यादा रंगीन बना देने वाले एनिमे ऐसे भी कई सारे मिस्टेक्स हैं जिसे कोई बच्चा भी पकड़ ले। अब जैसे कि एक तरफ तो ये नोबिता को जीरो मार्क्स मिले हैं पर वहीं दूसरी ओर इसका ये आंसर बिल्कुल सही है, बेचारा नोबिता भी लाइक भाई। डोरेमोन कुछ करो यार, क्या तुम टॉयलेट साफ करने वाले ब्रश से अपने दांत चमकाते रहते हो? वैसे भाई, ये तो कुछ नहीं, जरा आप यहाँ पर नजर डालो क्योंकि यहाँ पर एनिमे मेकर्स ने तो बायोलॉजी को ही चेंज कर दिया है। इस सीन में जैसे सुजुका और सुनियो को शॉक लगता है, उनकी एक्सरे इमेज दिखने लगती है और उसमें सुजुका के बालों तक के भी बोन्स दिखने लगते हैं। और भाई, ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ जब आंटी जी इस नमूने को 3 ऑरेंजेस देती हैं तो फिर अगले सीन में वो सारे ऑरेंजेस गायब हो जाते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब नोबिता की मम्मी ऑरेंजेस देकर उसे ये कहती हैं, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। ऐसे ही जब ये आंटी जी घर में घुसी थी तब उनके हाथों में बैग था, लेकिन फिर पूरे ही एपिसोड में हमें ये बैग नहीं देखने के लिए मिलता है। बट वेट, ये घर से भागते हुए बैग वापस टेलीपोर्ट हो जाता है, मे भी शायद आंटी जी से चप्पलों के साथ बाहर ही छोड़ दी होंगी। अब भाई, डोरेमोन के एक एपिसोड में डोरेमी के टेल के फ्लावर के पेटल्स व्हाइट थे और जैसे ही अगला सीन आता है तो ये पेटल्स रेड हो जाते हैं और सेंटर वाला हिस्सा व्हाइट। नंबर टू, सिंचन। वैसे यार, अगर देखा जाए तो सिंचन के पास लॉजिक होना ये खुद में एक इलॉजिकल बात हो जाएगी। पर भाई क्या ही करें, कभी कभी ऐसे इलॉजिकल मिस्टेक्स हमारे सिंचन के मेकर्स भी कर देते हैं। जैसे कि टीचर्स रूम के इस सीन को ही देख लो, जिसमें पहले के सीन में तो मात्सुजाका मैम के पास रखी पिंक बुक के बाद रेडिश ब्राउन बुक रखी होती है एंड इन मैम के आगे रंग बिरंगी बुक्स रखी होती हैं। पर जस्ट अगले ही सीन में ये रेडिश ब्राउन बुक गायब हो जाती है एंड ये रंग बिरंगे बुक्स लगभग सारे ब्लूइश कलर में बदल जाते हैं। अब इस दिन में जब अपना सिंचन मिक्सर को लिक करता है तो इस पर पूरा ही क्रीम लगा होता है, पर जब सिर्फ एक बार लिक करके अगला सीन आता है तो वो मिक्सर बिल्कुल साफ हो जाता है। सिमिलरली, सिंचन की नेबर जब चीनी मांगने आती है तब उनके सर पर लगे बैंडेज सर घुमाने के साथ लेफ्ट टू राइट हो जाते हैं। और यार, ये सिर्फ एक या फिर दो सीन में नहीं बल्कि पूरे ही एपिसोड्स में ऐसा ही होता है कि बस सर घुमाते ही बैंडेज इधर से उधर हो जाता है। भाई, आप में से कोई बोल सकता है कि मैं भी उनके दोनों ही साइड में टेप लगा होगा? पर भाई जरा तुम्हें बताओ कि आज तक सिमेट्रिकली दोनों ही साइड में किसको ही चोट लगी है। बात तो सही है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट मिस्टेक, जिसमें एक तरफ मसाओ ने शूज पहने हैं वो भी सिंचन वाले, वहीं दूसरी ओर ये सिंचन को शूज ही पहनाना भूल गए। बाहर में सिंचन सिर्फ सॉक्स में घूम रहा है। नंबर थ्री, बेंटेन। अब यार, लिटरली अगर फ्रेम बाय फ्रेम करके बेंटेन के मिस्टेक्स को पकड़ा जाए तो आपको एक ही एपिसोड में बहुत से मिस्टेक्स मिल जाएंगे भाई। लाइक जैसे ट्रेट्रिक्स का एक फ्रेम के लिए यहाँ पर जबड़ा हवे में होता है इस एपिसोड में, जहाँ ग्विन ड्रिंक पी रही होती है, फिर एक स्प्लिट फ्रेम के लिए उसका हाथ ही गायब हो जाता है। बेंटेन के सीजन 1 के कुछ एपिसोड्स में एनिमेटर्स ने ओमनीट्रिक्स बेंटेन के लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड में पहना दिया है भाई। मतलब भाई, ये तो भारी मिस्टेक हो गया सर। अभी नहीं, मिस्टेक्स के साथ साथ अगर कपड़ों की मिस्टेक्स की बात की जाए तो भाई वो तो बेंटेन में भर भर के हैं। जैसे कि इसको तो आप में से भी कईयों ने गौर किया होगा कि ग्विन की शर्ट पर एक कैट की इमेज होती है जो कि वक्त वक्त पर अपने ही गायब होते रहती है। इसके साथ जब भी बेन एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो भाई उसके मिस्टेक्स की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। जैसे कि यार, ये बेंटेन में रिपजॉस का एलियन का ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां पर इसके बीच पार्ट में इसके आंखों का रंग एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है, मगर कुछ सेकंड्स पहले ही रिपजॉस के आई कलर बिल्कुल सेम थे। सिमिलरली, इस ट्रांसफॉर्मेशन के सीन
सीन में बेन के हाथ से वॉच तो गायब हो जाती है जो कि अगले कुछ समय में वापस भी आ जाती है। अब अगर आपने ये वाला एपिसोड को देखा होगा तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे आखिर डायमंड हेड टूटने के बाद जब वापस जुड़ा तो उसके पीठ से कांच गायब हो गया जो कि फिर से कुछ देर में वापस भी आ गया। नंबर 4 परमैन। यार हमारे सुपर हीरो वाले परमैन में भी कुछ ऐसे ही सुपर इलॉजिकल मिस्टेक्स हैं जिसे देखकर आपके लॉजिक का भी वही हाल होगा जो कि इन मेकर्स के लॉजिक के साथ हुआ है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यार यहाँ पाको लाइट हाउस के ऊपर खड़ी है मगर जब इसी एपिसोड में मैप को दिखाया गया था तब वहाँ पर लाइट हाउस जैसी कोई भी चीज का नामो निशान नहीं होता है। अब आप जरा डोरेमोन के छोटे भाई को भी देख लीजिए। भाई डोरेमोन का छोटा भाई कौन है? तो देखो इस सीन में ये बॉबी अपने टोपी में से स्कूल बैग निकाल लेता है। अब भाई इतने छोटे से हेलमेट से इतनी बड़ी बैग तो कोई डोरेमोन का भाई ही निकाल सकता है ना। और फिर यहाँ इस सीन में इसने केले तक निकाल लिए। अगर आगे बढ़े तो हमें देखने के लिए मिलता है कि परमैन उस मिसाइल को बड़ी आसानी से रोककर तोड़ के फेंक देता है जिसने बुलेट प्रूफ पांडा को भी ब्लास्ट कर दिया था और जिसके सामने बड़ी बड़ी आर्मी टैंक्स भी फेल हो जाती हैं। और जब दूसरे सीन में सेम मिसाइल आती है और वो भी नजदीक से तो फिर न जाने उस समय इस मिसाइल को ये बिल्कुल भी नहीं रोक पाता है। वैसे यार इन इलॉजिकल सीन्स की ही तरह आपको किसी कार्टून या फिर एनिमे की लिटरली सबसे लॉजिकल बात कौन सी लगती है? आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जरूर बताना। मे बी शायद ऐसी बहुत ही कॉमन इलॉजिकल बात होगी जो कि मुझसे भी मिस हो गई हो तो उसे आप कमेंट में जरूर बताना। नंबर 5 ऑगी एंड द कॉकरोचेस। भाई ऑगी एंड द कॉकरोचेस एक ऐसा कार्टून है जिसे हर इंडियन बच्चा बिल्कुल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की तरह एंजॉय करता है। अब भाई इस कार्टून में तो काफी सारे इलॉजिकल चीजें हैं जैसे कि इस छोटे से घर में सबसे बड़ी स्टेयर्स, सिर्फ एक आइटम्स के लिए बड़े बड़े से रूम्स एंड सो ऑन सो ऑन। बट ये मिस्टेक कुछ नया है जहाँ जब तीनों ही कॉकरोचेस आगे बढ़ रहे थे तभी लंबू के बैक का कलर ब्राउन से पिंक हो जाता है। यहाँ पर पहले फ्रेम में जहाँ चम्मच केक के अंदर गड़ा रहता है वहीं पर दूसरे सीन में ये चम्मच बिल्कुल उल्टा हो जाता है, मानो जैसे कि ये चम्मच भी बोल रहा हो कि ले छोटू मुझ पर कूद और ऑगी की बैंड बजा। हाँ भाई देखो मैं ये जानता हूँ कि कार्टून एंड एनिमे में लॉजिक ढूंढना थोड़ा ज्यादा हो गया और फिर भी हमारे प्यारे कार्टून एंड एनिमे के थोड़ा सा टांग खींचने में अगर आपको मजा आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी ये शोज हमारे लिए इमोशंस हैं, इजीली इनसे कनेक्ट रहना अच्छा लगता है। हाँ यार पता नहीं डोरेमोन के इस मीम में फॉरेन का कौन सा लैंग्वेज है बट जब मैंने इसको गूगल ट्रांसलेट किया तो इसमें नोबिता डोरेमोन से ये बोल रहा होता है कि डोरेमोन तुम अपने सारे ही क्लोज फ्रेंड्स को अपने एक हाथ की उंगलियों पर गिन सकते हो, जिसके बाद डोरेमोन का जीरो दिख गया। डोरेमोन आफ्टर वॉचिंग कबीर सिंह। ओ अंकल जी, थोड़ा दिमाग थोड़ी कीटिया हुई क्या? शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, छोटा बच्चा गोद में लो तो। मॉम बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऑल्सो मॉम एट 7 AM, उठ जा बेटा 10 बज गए। टीचर्स टेल्स एन अनफनी जोक, द स्टूडेंट वॉइस फेलिंग। The boy, लो बंदर, the humanity is still alive. तेरी humanity गई तेले ने, मेरी बंदरपंती तो कब की मर चुकी है। When backbencher become doctor. कैसी हो? ठीक हो डॉक्टर। फिर आई क्यों? चलो भाई कुछ तो तोड़ा इसने। So much for unity and peace. Unity and peace community school as one. अरे भाई हाँ बच्चों दिख रही है तुम्हारी यूनिटी, गद्दारी कर बे। अच्छा बच्चे साथ बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी हरकतें नहीं करनी है। वाह घिम वाले सर के नहीं आने पर उनकी क्लास में मैथ सर एंट्री मारते हुए। तो यार बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो का पिछला पार्ट को देखना है तो आपके लिए है ये वाली वीडियो, और अगर इसे आपने देख लिया है तो भाई फिर आपके लिए है ये वाली फन इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो को पूरा यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।